هوامون دلبره دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد। बिरादरान ईमानी मेरे बिरादरान इस्लाम शियासुनी भाइयों, यहाँ पर बसाओकात शियाने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एतराज़ात होते रहते हैं। हम इस चैनल के तवसल से हम उन जवाबात का मुदल्लल जवाबात देने की सही नातवा करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल से हमेशा अखुव्वत भाईचारे का दर्स दिया गया है। कभी भी हमने किसी पर एतराज़ नहीं किया, हालांकि हज़ारों एतराज़ात ऐसे हैं कि हम अगर एतराज़ात पर आ जाएं तो फिर लोगों के पास उनके जवाबात नहीं हैं, क्योंकि वो हकीकतें हैं और उन हकीकतों को अक्सर मुशाजरात के नाम से ये कह के उन हकीकतों को मदफन करने की कोशिश की जाती रहती है, लेकिन हक़ कभी छुपता नहीं है। हम पर एतराज़ात यहाँ पर होते हैं। एक एतराज़ आया है नवासब की तरफ से, नासमीन की तरफ से, खारजों की तरफ से, तकफीरियों की तरफ से कि शियान के जितने भी इमाम हैं वो बांदियों की औलाद में से, जिनमें से जिक्र किया गया है जनाब बीबी शहरबानो ज़ोजाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। देखिए, हमेशा इनकी पूरी कोशिश होती है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत पैगम्बर की शान में जिस कदर भी गलीज़ प्रापोगंडा किया जाए उतना ही कम है। इनको कोई और जगह नहीं मिलती। जब भी ये नकबजनी करते हैं तो अहले बैत पैगम्बर बिलखसूस पंथ पाक की शान में गुस्ताखी करने के ये पहलू ढूंढते रहते हैं और उस पर कच्ची पक्की दलीलें देते रहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारक और इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की वालदा ग्रामी है, जिनकी कब्र मुतहर ईरान के शहर तेहरान में वाक़िया है। और ये वो अज़ीम मखदूमा है, ये वो अज़ीम मुअज़्ज़मा है, ये वो अज़ीम सैयदा है, तय्यबा है, नकिया है, ज़किया है और साहिब इस्मत ख़तून है कि जो ईरान के अज़ीम बादशाह यज़द की बेटी है, शहज़ादी है। और इसके लिए रवायत है कि जो कि हमारे भाइयों के यहाँ अक्सर मिलती है कि खलीफा सानी हत उमर के ज़माने में जब फारस फतह हुआ तो उस वक़्त जनाब शहरबानो बीबी को कैदी बनाकर लाया गया और जब कनीज़ें आईं तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने बीबी शहरबानो को जनाब इमाम हुसैन के लिए पसंद किया। ये रवायत अक्सर आप साहिबान के सामने पढ़ी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस रवायत में जो लोग जितने गुस्ताखी करते हैं, मेरी ज़बान ज़बान नहीं देती कि मैं वो गुस्ताखी अपनी ज़बान पर लाऊं, क्योंकि ये मुक़द्दराए इस्मत बीबी है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है, जो कि इमाम ज़ैनुलाबदीन की वालदा ग्रामी है, जो सादात की वालिदा ग्रामी है कि जिसके सिलसिला में सादात पैदा हुए। और ये वो सादात है कि जिसके लिए उसने पाक ने फरमाया कि हर इंसान का सिलसिला नसब चलता है उनके बेटों से, मगर मेरा सिलसिला नसब चलेगा मेरी बेटी से। बेटी के बेटे इमाम हसन हुसैन हैं और उनकी फिर आगे औलाद उसने पाक की सैयद ज़ात है, उनकी औलाद है, यानी जितने भी सादात हैं वो औलाद रसूल पाक है। यानी ये सैयदा शहरबानो ये रसूलुल्लाह की नो है, जिसे आप पंजाबी में नो कहते हैं, बहू कहते हैं, तो ये इमाम हुसैन की ज़ौजा होने के नाते इसका सिलसिला ताल्लुक़ उस पाक-ओ-पाकीज़ा घराने से मुंसलिक हुआ कि जिस पर कुरान पाक ने आयत तथी नाजिल की कि जिस खानवादे पर दरूद है, कि जिस खानवादे पर नमाज में अगर दरूद ना पढ़ा जाए तो नमाजी की नमाज कबूल ही नहीं होती। बीबी शेरबानो उस घर का फ़र्द है और उसकी ज़ौजा है कि जो सैयद शोहदा है, जो रसूलुल्लाह का सबसे अजीज़ तरीन बेटा है, अजीज़ तरीन नवासा है, कि जिसकी ज़ुर्रियत को ज़ुर्रियत रसूल कहा जाता है। और इसी बीबी के बेटों को, इसी बीबी के औलाद को औलाद ज़हरा कहा जाता है, आले रसूल कहा जाता है। इतनी अजीम बीबी, मुखदरा इस्मत बीबी, ताहिरा तैयबा बीबी, इसके लिए भी लोग प्रापोगंडा करते हैं, गलीज़ प्रापोगंडा करते हैं। पता चला ऐसा प्रापोगंडा ऐसी मखदूमा के साथ, ऐसे खानवादे के साथ वही कर सकता है कि जिसका इस्लाम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये लोग, तकफीरी लोग, इस्लामी लबादे में लबादा ओढ़ कर मुसलमानों में फ़िरका वारियत की हवा को बाहर रखते हैं। अज़ान मोहतरम, यहाँ पर ये जो पूरा वाक़या मैंने आपको बताया है, अल फ़ारूक किताब है शम्सुल उलमा जनाब अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने, ये जो वाक़या है कि फ़ारस फ़तह हुआ, बीबी कैदी बना के लेके आए, जो सारा वाक़या है, इसकी जनाब शम्सुल उलमा अल्लामा साहब ने, शिबली नुमानी साहब ने इसका इनकार किया है। उसकी इबारत है अल फ़ारूक की कि आम तौर पर ये मशहूर है कि जब फ़ारस फ़तह हुआ तो यज़जद के शहनशाह फ़ारस की बेटियां गिरफ्तार होकर मदीना में आई हैं, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आम लोंडियों की तरह बाज़ार में इनके बेचने का हुक्म दिया। ये बात वो कर रहे हैं हज़रत उमर की खलीफा दोम की। अब आगे बात आ रही है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की। कहते हैं बेचने का हुक्म दिया, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पर रज़ी अल्लाह लिखा हुआ, अलैहिस्सलाम ने मना किया। हज़रत उमर के इस फैसले से मौला कायनात ने मना किया। क्या ख़ानदान शाही के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? यानी कि ये तो शहनशाह की बेटी है, शहनशाह की बेटी को उसके शायान शान उनसे सलूक किया जाता है। जैसा कि हातम ताई की बेटी जब कैद होकर आई थी तो नंगा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अबा, अपनी चादर, जिसकी कसमें कुरान खाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, वह मुजम्मल वाली काली कमली उसने पाक ने एक काफर के बेटी जब कैदी बना कर लाई गई तो उसके सर पे आपने अपने चादर डाली। ये है एक बड़े आदमी का बड़ा काम। तो उधर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि शहनशाह की बेटियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता कि इनको बाजार में बेचा नहीं जाएगा। इन लड़कियों का कीमत का अंदाज़ा कराया जाए, फिर ये लड़कियाँ किसी के एहतमाम और सुपुर्दगी में दे दी जाएँ और इससे इनकी कीमत आला से आला शरह पर दी जाए। चनाचा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इनको अपने अहतमाम में लिया, यानी मौला अली ने इसको अपने अहतमाम में ले लिया और एक अमीन को, एक मोहम्मद बिन अबी बकर को और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अनायत की। ये गलत किस्सा की हकीकत ये है कि ज़मशरी ने जिसको फ़न तरीक़ से कुछ वास्ता, यानी जिसने रवायत की है वो तरीक़दान ज़मशरी है, उसको तरीक़ इतना अंदाज़ा नहीं, एक्सपर्ट नहीं, लेकिन उसने ये रवायत बनाकर दे दी है। इस गलत किस्से की हकीकत ये। अच्छा, अब यहाँ पर रबीउल अव्वल में इसको लिखा है और इब्ने ज़रकान के भी इमाम जलालुद्दीन के हाल में ये रवायत है कि इसके हवाले से नकल कर दी गई है, लेकिन ये शख्स गलत है। यानी कि वो रावी जो ये रवायत कर रहा है वो गलत बयानी से, किस बयानी से ले रहा है। अव्वल तो ज़मशरी के बाद तिबरी, यानी कि तबरी ने और इब्न असीन ने, तारीख़ यकूबी वाले ने और अदरवाइज़ बड़े बड़े तारीख़दानों ने इस वाक़या का इनकार किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बीबी मुक़द्दमा है, ये बीबी मुअज़्ज़मा है, इमाम की ज़ौजा है और एक इमाम की नहीं बाकी इमामों की ये माँ है। ये वो बीबी है जो आले रसूल की औलाद की माँ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बीबी पर हमारी तरफ से हज़ारों करोड़ों सलाम, दुरूद हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।